हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय में एक बेसिक जरूरत बन गया है। आप हम जब भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो 18% का जीएसटी चुकाते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको भी अखरता है और मुझे भी अखरता है। शहरों में अब आम लोग हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर जागरूक हुए हैं। इसका एक बड़ा कारण टैक्स बचाना भी है, लेकिन गाँव में अभी भी परिवार हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर नहीं सोचते। वो भी तब जब भारत सरकार आयुष्मान भारत के जरिए देश के हर नागरिक को इंश्योरेंस कवर के नेट में लाना चाहती है। तो हमें कहाँ और सुधार करने की जरूरत है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं policybazaar.com के चीफ बिजनेस ऑफिसर अमित छापड़ा जी। सर, मनी कंट्रोल हिंदी के दर्शकों से बात करने के लिए शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल है, आप ये मोदी सरकार का चुनावों से पहले पहला बजट है, चुनावों से पहले आखिरी बजट है, अंतरिम बजट, तो इस बजट से इंश्योरेंस सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं? देखिए, इंश्योरेंस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो मेरे को लगता है कि होपफुली सरकार इस बारी उनको लाएगी इस बजट में। तो देखिए, पहली चीज़ है जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही नेसेसरी आइटम बन गया है अब, एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिकली बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना किसी के पास भी बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता है और अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो लोगों की सारी सेविंग्स वाइप आउट हो जाती हैं। जी तो तो ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही नेसेसरी स्पेंड बन गया है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पे आज 18% जीएसटी है, तो जी वो थोड़ा सा मेरे को लगता है गलत है। एक लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस, एक नेसेसरी प्रोडक्ट है, तो उस पर आइडियली तो जीएसटी होना ही नहीं चाहिए या फिर बहुत कम होना चाहिए, जी ताकि हेल्थ इंश्योरेंस और ज़्यादा अफोर्डेबल बन सके और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया के सिटीजन हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस, अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़े। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जीएसटी का रेट कम करा जाए, जो आज 18% है उसको कम करें या हटा ही दें, तो वो आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ होगी सारे सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। दूसरी चीज़, टैक्स बेनिफिट की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो जो भी अभी पुराने रिजीम पे है उसमें सेक्शन 80D के तहत कस्टमर को, अगर 60 साल से कम उम्र के कस्टमर हैं, तो उन्हें 25,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पे, और अगर उनकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो 50,000 रुपये का बेनिफिट मिलता है। ये लिमिट्स बहुत पहले से चली आ रही हैं, अब वक्त आ गया है इन लिमिट्स को भी एक बार ही रीलुक करने का। ये इसीलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगेन हम देखें अगर, तो हेल्थ इंश्योरेंस अब ओवर द इयर्स महंगा हुआ है बिकॉज मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ा है, हर हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बढ़े हैं, लेकिन ये लिमिट्स वहीं पे रही है। तो ऐसे में हो क्या रहा है कि एक एवरेज फैमिली और एक एवरेज सिटीजन ऑफ द कंट्री इन लिमिट से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लेकिन बेनिफिट उनको कम मिल रहा है। तो अगर ये लिमिट्स को बढ़ा दिया जाता है तो ऐसे में एक मोटिवेशन और मिल जाता है सब सबके लिए कि वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, और अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें ताकि वो फाइनेंशियली सिक्योर रह सकें अगर कल को कुछ दिक्कत होती है, कुछ परेशानी होती है। तो ये एक दूसरी चीज़ है मैं बोलना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सामने आते बजट को देखते हुए। जी, सर, मेरा जो दूसरा सवाल है वो हेल्थ इंश्योरेंस में, मतलब सरकार की तरफ से क्या बदलाव होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि अभी हम लोग हम पढ़ रहे थे कि कैशलेस को लेकर, कि अब जो है कैशलेस इलाज हर एक हॉस्पिटल में होगा, खासकर उस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या उसमें और बेनिफिट्स सरकार को ऐड करने की जरूरत है? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स हुए हैं इन द लास्ट लास्ट 2-3 ईयर्स। सरकार ने, IRDAI ने एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा काम किया है। हेल्थ इंश्योरेंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है, एंड उसमें जो भी रिफॉर्म्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। मैं बोलूँगा कि प्राइमरी रीजन्स वही है जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस मिल पा रहा है। तो ऐसे में एक तो हमने बात करी अफोर्डेबिलिटी की, जैसे कि हम देख रहे थे कि अगर टैक्स कम हो सके जैसे बजट में हम देखते हैं, तो एक तो ये पॉइंट है जिससे ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस खरीद पाएंगे। दूसरी चीज़, जैसा आपने बोला, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसको बोलते हैं कैशलेस एनीवेयर। इसका मतलब ये है कि कस्टमर जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं और कैशलेस सुविधा का उपलब्ध ले सकते हैं। अभी तक ये होता था कि जो जो कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क में था उन पे तो भैया कैशलेस था, बाकी सब में रिइम्बर्समेंट के लिए जाना पड़ता था कस्टमर को। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड अब आप हर जगह कैशलेस कर सकते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। तीसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, जैसे कि
जो भी हम मोटिवेशन दे पाए कस्टमर का, एक मामूली आदमी को, एक सिटीजन ऑफ द कंट्री को, कि वो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे, इसके लिए जो भी अवेयरनेस के लिए हम काम कर सकेंगे, आई थिंक वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. इसके लिए जो भी मोटिवेशन गवर्नमेंट कर पाएगी एक सिटीजन को, ताकि वो अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस से प्रोटेक्टेड रखे, वो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि वो बहुत ही वेलकम इनिशिएटिव होगा. बिकॉज आज भी अ लार्ज पार्ट ऑफ आर कंट्री, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उनको वो अवेयरनेस भी नहीं है. मैं बोलूंगा कि आई थिंक बड़े शहरों में ये काफी हो गया है, लेकिन छोटे शहरों में अभी अभी भी बहुत गैप्स हैं. सर मेरा बहुत अगला सवाल लोग इसी पर ही था आपसे, नहीं आप सॉरी अच्छा. अगला सवाल मेरा इसी पर था, बट ठीक है। तो आई थिंक जो भी अवेयरनेस के लिए हम कर पाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में आ सके, आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा, बहुत वेलकम स्टेप होगा सरकार के द्वारा. सर मैं अपने जो मैंने मैं अपना सवाल आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि मेरी इसमें एक एडिशन और था। जैसे कि आपने कहा कि गांव में, हम गांव तक की बात कर रहे हैं, रूरल की, क्योंकि वहां पे कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेता, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस उनकी नेसेसिटी या उनकी उस चेकलिस्ट में भी शामिल नहीं होता। गांव मतलब खासकर गांव की बात करें, तो मेरा सवाल ये था कि अभी भी गांव और दूरदराज के इलाकों में लोगों का कोई फोकस लाइफ इंश्योरेंस को लेकर नहीं होता, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर नहीं होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर खास, और इवन मैं ऑटो इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस को भी लेकर एक हम अलग सवाल करेंगे कि इसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या मतलब करना चाहिए, और नहीं बढ़ने के पीछे भी क्या वजह है, दोनों चीजें, नहीं बढ़ने का कारण और बेहतर करने के लिए क्या करना होगा सरकार को। देखिए बिल्कुल, आई थिंक पहली चीज तो है अवेयरनेस. मतलब अवेयरनेस, बहुत लोग अभी भी सोचते हैं कि मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, या मेरे को लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है. तो सरकार के द्वारा जो भी, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए टैक्स बेनिफिट है. अब टैक्स बेनिफिट एक ऐसी चीज है जिसके चक्कर में बहुत लोग खरीद लेते थे, तो एक मोटिवेशन मिल जाता था. सिमिलरली अगर जो भी स्टेप्स हम ले पाए हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो या वो लाइफ इंश्योरेंस हो, आई थिंक उससे मोटिवेशन बढ़ेगा. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ प्रेफरेंशियल बेनिफिट्स मिल पाए जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिनके पास लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जैसे टैक्स बेनिफिट तो एक बात हो गया. इसके अलावा किसी भी और सरकार की स्कीम में अगर पार्टिसिपेट करने में कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो आई थिंक वो एक बहुत ही वेलकम स्टेप होगा. तो उस नज़रिए से आई थिंक हमें देखना चाहिए, और हमें कस्टमर और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है. देखिए प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, देखिए तीन चीजें जो हो सकती हैं, दैट इज डेथ, डिजीज और डिसेबिलिटी. ये तीन चीजें हैं जो कभी भी आ सकती हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये अगर किसी के साथ इनमें से कुछ भी होता है, तो उसका इफेक्ट ना सिर्फ उन पे पड़ता है, उनके पूरे परिवार पे, बच्चों पर, पेरेंट्स पे, सब पे पड़ता है. और उससे आगे का काफी, मतलब उनकी प्लानिंग, उनके उनके लाइफस्टाइल काफी खराब होता है. तो ऐसे में प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, जो कि जिसको टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस हम लार्जली बोलते हैं, वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है. जितना ज्यादा सरकार इसको प्रमोट कर सकती है, अवेयरनेस बढ़ा सकती है, उतना अच्छा होगा. सर मैं अपना एक सवाल ये दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, इसलिए क्योंकि हम अगर गांव की बात करें तो गांव तक पहुंचने के लिए सरकार को क्या करना हो, क्योंकि शहर के लोग फिर भी बहुत मोटिवेटेड कह लीजिए टैक्स की वजह से होते हैं, बट गांव में तो वो भी मोटिवेशन नहीं है। बट देखिए कवर उनको भी चाहिए, और दूसरी चीज ये कि इंश्योरेंस, क्योंकि सरकार का भी टारगेट है, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, कि गांव गांव तक हर एक नागरिक तक जो एक इंश्योरेंस की बेसिक जो नेसेसिटी है वो पूरी, उसके लिए सरकार को क्या करना होगा, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि आपने प्रेफरेंशियल बेनिफिट्स की बात करी, आप प्रेफरेंशियल बेनिफिट्स के थ्रू मतलब क्या क्या बेनिफिट, किस तरीके के बेनिफिट सरकार को देने चाहिए। पहली चीज यह है कि अगर हम बात करें कि गांव गांव में जाने का, तो आई थिंक जो आयुष्मान भारत इनिशिएटिव था, आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इस डायरेक्शन में. बिकॉज इसमें हम सबको ये कह रहे हैं कि आपको एक इंश्योरेंस मिल रही है, और ये इंश्योरेंस सॉर्ट ऑफ हर किसी को मिलती है बाय डिफॉल्ट. इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं, आपको बस एक एक्टिवेशन करना पड़ता है इसका, एंड उसके बाद सबका अपना एक आयुष्मान कार्ड बन जाता है, जिसको लेके आप जा सकते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए कहीं पे भी. अब इसमें ये एक आपको एक बेसिक लेवल ऑफ इंश्योरेंस मिल जाती है. आई थिंक अब जो एक दिक्कत ये आ रही है कि ये एक बेसिक इंश्योरेंस तो मिल गई, लेकिन इसको अगर कोई भी कस्टमर, चाहे वो गांव में हो चाहे वो बड़े शहर में भी हो, वो इसको कॉम्प्रिहेंसिव कैसे बनाए, उसका आंसर आज किसी के पास नहीं है. और जैसा कि आपने बोला, एक वो मोटिवेशन बहुत कम लोगों के पास है कि आप आए, आप किसी की वेबसाइट पे जाएं या किसी की ब्रांच पे जाएं, और वहां पे जाके हेल्थ इंश्योरेंस अपना हेल्थ इंश्योरेंस और बेटर कर पाए. तो वो
वो अगर एक एजुकेशन ऑलमोस्ट देखिए इसमें लगेगा, ये मोर एजुकेशनल इनिशिएटिव है, जिससे कि हम बेसिकली जो गांव-गांव में हमारे जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसको जागरूक कर पाए कि अपनी हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक वो पे एक पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आजकल सरकार एक जो बहुत अच्छा कदम उठा रही है, वो उठा रही है अवेयर करने के लिए लोगों को बैंकिंग के अराउंड कैसे होना चाहिए, आप फ्रॉड कैसे बचाएं, आप कैसे अपने अपनी डिटेल शेयर ना करें किसी के साथ, उसके अराउंड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एजुकेशनल कैंपेन करा है और अब गांव-गांव में अवेयरनेस है। सिमिलरली हमें अवेयरनेस होनी करनी चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस के लिए या टर्म इंश्योरेंस के लिए कि आपकी पॉलिसी क्यों ज़रूरी है, आपको क्यों ये पॉलिसी लेनी चाहिए ज़रूरी है और आप कैसे ले सकते हैं। तो ये अवेयरनेस करवाना आई थिंक बहुत ज़रूरी है और ये और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जैसे जैसे आप छोटे शहरों और गाँव में जाते हैं। वहाँ पे मे बी एक रोल है जो हमारे पंचायत सिस्टम है उसके लिए एक रोल है, मे बी वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनको एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये बात समझें कि ये क्यों ज़रूरी है। देखिए एक एक अच्छे टेलीविजन ऐड पे या ऑनलाइन पढ़ के एक सेट ऑफ सेगमेंट तो खरीद लेता है, लेकिन अगर हम मासेस की बात करें तो उनके लिए एक अलग तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलने पड़ते हैं। आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सरकार कैन स्टेप इन और वो हेल्प कर सकते हैं ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने में। जी, सेकेंड सर, जैसे आपने ईटीडी की बात की, हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, उसकी लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन डिमांड क्या है कि उस लिमिट को बढ़ाकर कितना करने की जरूरत है या सरकार को कितना करना चाहिए ईटीडी के तहत जो लिमिट है इंश्योरेंस को लेकर? देखिए आइडियली तो मेरे को ऐसा लगता है कि इसको इस पर कोई लिमिट होनी ही नहीं चाहिए। तो अगर मैं एक कस्टमर हूँ जो अपने लिए एक बहुत अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता हूँ तो उसको पूरे को टैक्स बेनिफिट दे देना चाहिए। बिकॉज देखिए हेल्थ इंश्योरेंस है, ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है कि आप साल के 10 लाख रुपए डाल सकते हैं, देर आप कुछ एक अमाउंट ही खर्च सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी, कितनी भी महंगी हो जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं हो सकता। तो मैं तो आइडियली बोलूंगा कि कोई लिमिट होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक लिमिट डालनी है तो मेरे को लगता है कि इस लिमिट को डबल कर देना चाहिए अभी से। तो 50,000 रुपये आपकी लिमिट होनी चाहिए फॉर 60 साल से कम, और 1 लाख रुपए की लिमिट होनी चाहिए 60 साल से ज्यादा के लिए। बिकॉज आज के डेट में इतना खर्चा एक फैमिली कर देती है अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। सर, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर मतलब जैसे कहा हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या एक ऐसा रीजन है कि गांव के लोग इसे नहीं जुड़ पा रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ा हमारा ये था कि रूरल इकोनॉमी पे हमारा फोकस इस समय ज्यादा था और सरकार का भी फोकस है, लेकिन वो क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? और दूसरी चीज ये कि मैं एक ट्रेंड आपकी तरफ से भी जानना चाह रही थी कि पॉलिसी बाजार ने क्या ट्रेंड देखे हैं, मतलब कि कौन कौन से सेगमेंट या सेक्शन, मतलब चाहे हम एरिया वाइज करें, टियर 2 टियर 3 शहरों की बात करें, जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले जो लोग हैं उनका ट्रेंड आपने क्या नोटिस किया है? बिल्कुल, देखिए इसमें ना बहुत ही इनकरेजिंग ट्रेंड एक्चुअली है। पिछले अगर हम पिछले कुछ सालों से बात करें, स्पेशली कोविड के बाद से अगर बात करें, सो कोविड से पहले जब हम देखते थे तो रूरल सेक्टर से हमारा जो हम आज हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं वो 5 से 10% रूरल सेक्टर से आता था। जी वो नंबर ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है पिछले 2-3 साल में। तो अवेयरनेस तो डेफिनेटली बढ़ी है एंड अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोटे शहरों से रूरल एरिया से आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए। लेकिन मेरे को लगता है कि अपॉर्चुनिटी अभी बहुत ही बड़ी है, बिकॉज अभी भी लार्जली जो हमारे लोग हैं रूरल सेक्टर में वो नहीं है उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस। लोगों ने लेना शुरू किया है, अर्ली अडॉप्टर्स आ गए हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर अवेयरनेस और बढ़ती है तो ये और ज्यादा हो सकता है। और देखिए मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए हेल्थ इंश्योरेंस अब इंक्रीजिंगली काफी सारे लोग ट्रैवल भी करते हैं अपने इलाज के लिए। तो मान लीजिए अगर कोई किसी गाँव में रहते हैं हरियाणा में पंजाब में, उनको कोई बड़ी दिक्कत बड़ी परेशानी होती है तो वो दिल्ली आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए, राइट? अब ऐसे में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगी तो लाखों रुपए का नुकसान होता है, खर्चा होता है, और उनके पास में नहीं होते हैं इतने पैसे देने के लिए, और इवेंचुअली फिर ऐसे में ट्रीटमेंट में आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब ये अवेयरनेस हो रही है और लोगों की हो रही है, लेकिन अभी उतनी नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए। तो जैसे जैसे लोग ये समझेंगे कि आप वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट आपको इंडिया में ही मिल जाता है और उसके लिए अगर आपको किसी और शहर में ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे ये अवेयरनेस बढ़ती है इंक्रीजिंगली और ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बोलना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर हो जाता है और आप किसी हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश के किसी छोटे शहर में रहते हैं, तो
तो आप चाहेंगे कि आप दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में आए, या फिर आप मुंबई के जाके टाटा मेमोरियल में अपना इलाज करवाएं, जो कि हमारे बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स हैं। अब अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो वो बहुत दिक्कत का काम हो जाता है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अब जी मोस्टली छोटे शहरों में हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें क्या होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि आजकल कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, लीवर किडनी प्रॉब्लम्स कॉमन मैन को हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। एंड इनफैक्ट ज्यादा हो रही है एक बात है, ये काफी यंग लोगों में भी बहुत ज्यादा हो रही है अब। तो ऐसे में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस ना होना एक बहुत बड़ा हैजार्ड है, एक बहुत रिस्की सिचुएशन है, बिकॉज लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हो सकता है और आपको खुद से अपनी जेब से देना पड़ेगा, जो लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये अवेयरनेस, ये जागरूकता बढ़ाना कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है। जी सर, अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं, मैं आपसे, जैसे आपने कहा कि कोविड के बाद, मतलब जो भी ट्रेंड आपने देखा कि 5-10% लोग जो है रूरल एरिया से भी आ रहे थे, अगर हम मैं टियर 1, टियर 2, टियर 3 शहरों तक की बात करूं, तो वहां पे आपने क्या ट्रेंड देखा हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, की जो एक डिमांड थी वो कितनी बड़ी है, या क्या आपने ऐसा उसमें कोई ट्रेंड देखा हो? बिल्कुल, देखिए वाइल्ड डिमांड हर जगह ही बड़ी है हेल्थ इंश्योरेंस की, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि जो ग्रोथ स्पीड ऑफ ग्रोथ है, कि डिमांड बढ़ने की जो स्पीड है वो ज्यादा बड़ी है छोटे शहरों में। उसका एक रीजन ये भी है कि बड़े शहरों में एक लेवल ऑफ सैचुरेशन है, लोगों के पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है या उनकी अवेयरनेस ऑलरेडी है। छोटे जी शहरों में बहुत कम लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, अवेयरनेस भी बहुत कम है, तो स्पीड वहां बहुत ज्यादा है ग्रोथ की। लेकिन लेकिन दैट सेड, अभी भी बहुत कम लोग हैं जो ले रहे हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अभी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो सोच नहीं रही है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जिनको सोचना चाहिए, बिकॉज अगर वो नहीं सोचेंगे और वो नहीं लेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो आगे जाके उनके लिए रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क खुल जाता है। जी सर, हम उम्मीद करते हैं कि बजट में, खासकर जो आपकी डिमांड है जीएसटी को लेकर, कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी सरकार को कम करना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस डिमांड को सुनेगी, क्योंकि ये डिमांड इंश्योरेंस सेक्टर के साथ साथ आम लोगों की भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जीएसटी को इस बार कम करेगी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। यू सर। ठीक है, मैं